शादी के बढ़िया टेलर के दरवाजे खुल गए हैं। लाली लू पर सब कुछ एकदम बढ़िया है। डब्बे पैक करने से लेकर कमरे में पर्दे लगाने तक, महंगे फैब्रिक्स, लग्जरी एक्सेसरीज, ताजे फूल और बढ़िया परफ्यूम। अटेलियर दुनिया के बेस्ट वेडिंग स्टाइलिस्ट ने बनाया था। जॉर्जियो, हाय। वो बहुत कलात्मक और समझदार है। वो बारीकियों पर ध्यान देता है और उसे अपनी पीली डक से बहुत प्यार है। जॉर्जियो बेहद ऑर्गेनाइज्ड है। उसके पास सभी ब्राइड्स, इवेंट्स और अपॉइंटमेंट के लिए स्केड्यूल है। जॉर्जियो सच में काफी डिमांड में है। हर कोई उसे अपनी शादी के लिए हायर करना चाहता है। और ये उसके असिस्टेंट है। वो पेपर वर्क और स्केड्यूलिंग की इंचार्ज है। ठीक है, मैंने इस ब्राइड को स्केड्यूल कर लिया। और ये वाली, क्या मैंने दो बुक कर दी? मिस्टर जॉर्जियो, एक दिक्कत हो गई है, मुझसे गलती हो गई और एक ही समय के लिए मैंने दो ब्राइड्स बुक कर ली। ओ नहीं, ये तो आपदा है। मिस्टर जॉर्जियो उठिए, हमें उनसे बात करनी होगी। ये माना नहीं जा सकता। ठीक है, मैं उन्हें कॉल करूंगा। लगता है हमें गलत फहमी हो गई, डबल बुकिंग हो गई है। मेरे ऑफिस में आइए, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, ये सब कुछ पहली बार हुआ है, बिल्कुल मेरी शादी की तरह। और मेरी, तुम एक धोखेबाज हो, तुम काफी गैर जिम्मेदार हो और तुम्हारा अटेलियर एक बड़ा स्कैम है। मैंने इसके लिए काफी सारे पैसे भरे थे। मैं आपको किसी और को रिकमेंड नहीं करूंगी। तो अब हम क्या करेंगे? हमें इसे ठीक करना होगा, बस हमें मदद करने दीजिए। ओह नहीं, मेरे टॉप को क्या हुआ? ऐसा लगता है कि मुझसे ये खराब हो गया। मैं एक स्टाइलिस्ट हूँ, वो आसानी से ठीक हो जाएगा। मैं इसे सील दूंगी और मोतियों से सजा दूंगी। अब ये स्पार्कली है और बेहद सुंदर है। चलो ब्रूनेट ब्राइड की ड्रेस से शुरू करते हैं। एक सीक्वेंस रिबन का टुकड़ा लें, किनारों को वेलक्रो से जोड़ें। टॉप तैयार है, हमें बस एक पॉफ स्कर्ट बनाने की जरूरत है। ट्यूल पर इस तरह से सीम बनाएं और इसे कॉर्सेट पर लगाएं। ये सुंदर लगता है, पर हम कुछ भूल रहे हैं। गोल्ड चमकीली से बना एक टेम्परेरी टैटू इस लुक को पूरा कर देगा। पॉलका डॉट ट्यूल से एक वेल बनाएं। ब्रश के हिस्सों को काले बीट से सजाएं। वेल इस ड्रेस के साथ अच्छा लग रहा है। हमें सिर्फ कुछ और वॉल्यूम की जरूरत है, बस ट्यूल की कुछ और लेयर्स और ये तैयार है। चलो इन पुराने जूतों के पैर को दूसरी जिंदगी दें। हील्स को इस तरह पॉलिश करें। रबर से दो स्टेडी हील्स काट लें और उन्हें सोल पर चिपकाएं। जूतों को काले एक्रिलिक पेंट से ढकें। इन्हें क्लियर नेल पॉलिश से कोट करें। काली लेदर से ऊपरी हिस्सा काटें। लेसेस के लिए नायलॉन धागे का प्रयोग करें। ये स्टाइलिश जूते वेडिंग डांस के लिए बढ़िया है। छोटे फूल और ब्लैक बेरीज लें। फोम पेपर की एक शीट लें, फिर ट्यूल लगाएं और फोम पेपर की एक और शीट। इसे फोल्ड करें और धागे के साथ बांधें। ब्राइड के लिए वेडिंग बुके तैयार है। ये ड्रेस से एकदम मिलता है। अब ब्लॉन्डी की बारी है। हमें लाइट फैब्रिक्स, लेस और ट्यूल की जरूरत है। पैटर्न फैब्रिक से एक टुकड़ा काटें और एक बॉडी सूट बनाएं। डायमंड के आकार वाला बॉटम काटें। अब बस हमें स्कर्ट लगाने की जरूरत है। सफेद ट्यूल के टुकड़े को इस तरह सिलें और बॉटम को टॉप पर लगाएं। कितनी सुंदर पफ स्कर्ट है। चलो एक ट्रेन लगाएं। किनारों को काटें और इसे फोल्ड करें। ये एक सुंदर ड्रेस है। कमर के आसपास सेटन रिबन बांधें, फिर इसे प्यारे बो से टॉप करें। नेक कट को इस तरह टाइट करें। ये काफी बेहतर है। ड्रेस की बैक को एक्सेसरी चेन से सजाएं। स्पार्कली ट्यूल से एक वेल बनाएं।
अटैचमेंट पॉइंट्स को बीट से ढकें। बाजू पर एक पर्ली ब्रेसलेट लगाएं। वेडिंग बुके के बारे में क्या ख्याल है? कुछ छोटे फूलों को रिबन से बांधें। पैकेजिंग की प्रिंटेड तस्वीरें तैयार करें। मोटे कागज से डिब्बे बनाएं। हर डिब्बे के दो हिस्से हैं। लेबल्स लगाएं, कंपार्टमेंट्स लगाएं। ये गोल्ड बीट्स मार्जी पेन जैसे लगते हैं। टिन फॉइल को काटें और कैंडीज को रैप करें। बॉक्स के चारों ओर एक चमकीला रिबन बांधें। हमें माफ करना, हमारी माफी के साथ प्लीज इस कैंडी के बॉक्स को स्वीकार कर लो। ये स्वादिष्ट है, झूठ नहीं बोल रही। मैंने एक हफ्ते जितनी मिठाई खाई थी। हमारे पास एक और बॉक्स है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओह, ये आखिरी है, मैं वादा करती हूँ। उप्स, मैंने सब कुछ खा लिया। ये मुझे क्या हुआ? ये फिटिंग का समय है। ब्रूनेट ब्राइड अपने फियांसी के साथ आई है। ठीक है, जिप ऊपर करने में मेरी मदद करो। आह, मैं इसमें सांस कैसे ले पाऊंगी? ये मुश्किल से फिट हो रही है, ये आपदा है। खैर, हम इसे घर पर आजमाएंगे। फियांसे अपनी ब्राइड को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है। परेशान मत हो, तुम बढ़िया लग रही हो। और फिर उसने कैंडी का दूसरा बॉक्स देखा। ओह, लालच को रोकना बहुत मुश्किल है। एक हेयर डाई बनाएं। एक स्ट्रॉ के टुकड़े काटें। ग्लास के सरफेस पर लोशन लगाएं और ट्यूब को सील करें। बीट से बने प्यारे लिड्स लें। सुनहरी और हरा ट्यूब्स पर प्रिंटेड लेबल चिपकाएं। प्लास्टिक बोतल का ऊपरी हिस्सा काटें और ब्लीच की एक बड़ी बोतल बनाएं। इसे भरें। ब्लॉन्डी ने वेडिंग से पहले अपने बालों को डाई करने का फैसला किया। अचानक से उसने मिलती जुलती व्हील पर ध्यान दिया। क्या शाइन भी है सैलो आई है। अंदर आइए, सिंक के पास बैठिए। चलो पहले तुम्हारे बाल धोएं। जब हेयर ड्रेसर शैम्पू ढूंढ रही थी तब हॉल में एक डार्क शेडो थी। ऐसा लगता है कि शाइन ने रंगों को बदल दिया। ब्लॉन्डी चीजों को समझ नहीं पाई और जब तक डाई ने अपना काम करना शुरू नहीं किया तब तक इंतजार करती रही। उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना था। हेयर ड्रेसर हैरान हो गई। ये आया कहाँ से? सभी ने ब्लॉन्डी के रिएक्शन को सुना। उसकी चीख से सैलो की दीवारें लगभग टूट ही गई। जो लड़की अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रही है उसने भागने का फैसला किया। कौन जानता था कि ऐसी जगह पर उसके बालों के साथ क्या होगा? असिस्टेंट अपनी जॉब कर रही थी जब उसे रियलाइज्ड हुआ कि उसने दोबारा एक गलती कर दी। असलियत में उसने गलती की ही नहीं और आखिरकार दोनों ब्राइड्स दो अलग दिनों के लिए स्केड्यूल थी। मैं हैरान हूँ, मैं क्या करूँगी? जॉर्जियो, मेरे पास एक जरूरी खबर है। मैंने स्केड्यूल के साथ गलती नहीं की थी। मामा मिया, मुझे ब्राइड्स को दोबारा कॉल करने की जरूरत है। एक गलती थी, हमने सब ठीक कर दिया। तुम्हारी वेडिंग अलग दिनों के लिए स्केड्यूल्ड है। और स्टाइलिस्ट ने असिस्टेंट पर कुछ पानी डाला। ये सच में तनाव वाली जॉब है। शांत हो जाओ स्वीटी, मुझे पता था कि मैं गलती कर ही नहीं सकती। कपल ने सेरेमनी के लिए ग्रीन पार्क चुना है। शाइन, क्या तुम डेरेक को अपना पति मानती हो? मैं मानती हूँ। और तुम डेरेक, क्या तुम शाइन को अपनी पत्नी मानते हो? मैं मानता हूँ। अब आप पति पत्नी हो। तुम ब्राइड को किस कर सकते हो? ब्लॉन्ड ब्राइड समुद्र के पास सेरेमनी करना चाहती है। कपल ने लहरों की आवाज और ट्रॉपिकल पाम ट्रीज को सुनते हुए शादी कर ली और उन्हें अपने हनीमून के लिए बढ़िया जगह भी मिल गई। हमारी वीडियो को लाइक करें, लाल लीलू को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस न करें।